नमस्कार। झारखंड में ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है। ऑपरेशन मुस्कान बच्चों को बचाने के लिए है, उन बच्चों को जो बाल मजदूरी के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिनका बचपन कहीं कैद हो चुका है, उनके चेहरे पर मुस्कान वापस लाने की बात कही जा रही है। लेकिन इस मुस्कान वापसी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल पुलिस पर हैं, उसके कार्यशैली पर है। आज हम आपको दिखाएंगे क्या है ऑपरेशन मुस्कान का असल सच। इसके अलावा जुर्म की और भी खबरों पर बात होगी, तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। झारखंड में ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है, लेकिन अब इस मुस्कान पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल पुलिस की मंशा और पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। आखिर क्या है ऑपरेशन मुस्कान का असल सच? अरे देखिए, रांची में बढ़िया पढ़ाई होगा और कोई सामने का ड्रेस तो लाया गया है। तो तुम लोग पढ़ते थे कि नहीं? पढ़ते थे। होटल में काम करते थे? नहीं। तब फिर तुम लोग कहाँ लाया गया? रांची पढ़ाई बढ़िया होता है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें ऑपरेशन मुस्कान फेज 2 के तहत छुड़ाया गया है। लेकिन इन बच्चों की रिहाई के बाद गढ़वा पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको ऑपरेशन मुस्कान की हकीकत पता चलेगी। दरअसल जो मामला सामने आया है, उसे यदि सच माना जाए तो फिर गढ़वा पुलिस ऑपरेशन मुस्कान की धज्जी उड़ा रही है। आरोपों के मुताबिक बच्चों और उनके अभिभावकों को तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं। लालच के सहारे बच्चों को बाल मजदूर घोषित किया जाता है, जबकि बच्चों की माने तो वो स्कूल के छात्र हैं, वो भी बाकायदा सरकारी स्कूल के। ये बच्चे किसी होटल में काम नहीं करते और ना ही कहीं मजदूरी करते हैं। उस मामले का खुलासा तब हुआ जब परिसदन में मौजूद बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को लेने पहुंचे। परिजनों ने पुलिस पर कई आरोप लगाए। मामला यही है सर कि DSP साहब के द्वारा जो है सारे लोगों को बोला गया कि अच्छी खासी नौकरी मिलेगा, बच्चे लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो है ये सिस्टम को तैयार किया गया है। इस मुस्कान सेवा संस्था खुली है जो उसके माध्यम से सारे बच्चे को उज्जवल भविष्य होगा। आप लोग जाइए, अच्छे से बच्चे को पढ़ाइए, गरीब लोगों के लिए संस्था है। तो हम लोग सारे बच्चे को ला करके DSP साहब के आवास में जमा किए। 2 घंटे में ही सारे बच्चे लोगों को बिना खिलाए पिलाए स्कूल से भी हम लोग बच्चे को नहीं भेजे और यहाँ हम लोग रवाना कर दिए कि रांची हमारा बच्चा पढ़ेगा। और इसके बाद जो है यहाँ आने के बाद पता चलता है कि हम लोग को सूचना मिली कि आप लोग अपना बच्चा को बाल मजदूरी करवाते हैं, आप लोग अपना आधार कार्ड पहचान पत्र लाइए, अपने बच्चे को ले जाइए। इस खुलासे के बाद ऑपरेशन मुस्कान पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। जिस ऑपरेशन के जरिए बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का दावा था, अब वो ऑपरेशन बच्चों के चेहरे से मुस्कान छीनने की वजह बनता दिख रहा है। गढ़वा में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 51 बाल मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस की सफलता की खबर अखबारों में छपी। इस खबर के बाद नगर उटारी के बच्चों के अभिभावक गढ़वा पहुंच गए। वो अपने बच्चों की मांग करने लगे। नगर उटारी से 31 बच्चों को छुड़ाया गया था। अभिभावकों का आरोप है कि DSP साहब ने उन्हें प्रलोभन दिया। आरोपों के मुताबिक DSP साहब ने लोगों को सरकारी योजना का झांसा दिया, अच्छे स्कूल में दाखिले का भरोसा दिलाया, बढ़िया खाना पीना मिलने की भी बात कही गई। इसके बाद अभिभावकों ने अपने बच्चे पुलिस को सौंप दिए। DSP साहब बोले जे मेरा बच्चा मिशन स्कूल में पढ़ रहा था, तो वो बोले जे वहाँ अच्छा खासा रांची में पढ़ेगा, खाना पीना सब मिलेगा, कपड़ा लत्ता सब मिलेगा। तो हम अपने स्कूल से नहीं जाने दिए, अब DSP साहब के साथ में भेज दिए। क्या अब क्या स्थिति है? अब यही है कि रात में फोन आया जे आधार कार्ड अपना और परिवार का ला करके अपना बच्चे को ले जाएंगे। पुलिस ने सभी बच्चों को बाल मजदूर घोषित कर दिया। हकीकत यह है कि 31 में से 30 बच्चे छात्र हैं जो बाकायदा पढ़ाई करते हैं। कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो कोई प्राइवेट स्कूल में। कह रहे थे ना कि वहाँ पढ़ाएंगे रांची में, पैसा भी मिलेगा तुम लोग के, और वहाँ से बढ़िया पढ़ लेगा, जितना पढ़ना है तितना पढ़ेगा, इंजीनियर भी पढ़ सकता है। वहाँ झूठ भर के यहाँ ला के पहुँचा के ले गए अपने भाग गए सब बस लेके। तो बस पर लाया गया था? हाँ, बस पर लाया था। जिम्मेदार साहब थे। इस बारे में जब जिले के SP से बात की गई
तो उन्होंने जानकारी से इनकार किया। वो इस मामले से पल्ला झाड़ते दिखे। बच्चों की वापसी चाइल्ड वेलफेयर के माध्यम से की जाती है और इसमें पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आप जो जानकारी हमें दे रहे हैं वो जानकारी मुझे उनके परिवार वालों के द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है, ना ही ऐसा हमें सूचना मिला है। जहाँ तक बात है कि बच्चे घर लौट रहे हैं, ये जवाबदेही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की है। हमारी ये जवाबदेही नहीं बनती है। हमारी जवाबदेही ये है कि बच्चों को रेस्क्यू करा करके बस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हैंडओवर कर देना है। बाकी जवाबदेही उसका उनकी बनती है। क्या इतना ही नहीं, ज़िले के SP का ये भी कहना है कि किसी भी बच्चे के परिजन ने इस बारे में शिकायत नहीं की और ना ही कोई आवेदन दिया है। बिना शिकायत या आवेदन वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। ये आपके द्वारा कहा जा रहा है, अगर वो परिवार वाले हमको लिखित में देते हैं ऐसा कुछ, तभी हम संज्ञान में लेंगे, तभी इस मामले की जांच करेंगे। इस खुलासे के बाद ऑपरेशन मुस्कान की मुस्कुराहट पर भी सवाल उठने लाजमी। जिन बच्चों की मुस्कान लौटाने की पहल की गई थी, अब वही बच्चे पुलिस के इस खेल में शामिल होते दिख रहे हैं। तो क्या झारखंड में ऑपरेशन मुस्कान महज फर्जी आंकड़ों का खेल भर रह गया है? चंदन कश्यप, जिमिडी, गढ़वा। एक घर में अपराधियों का जमावड़ा होता है खतरनाक इरादों के साथ, लेकिन उनके इरादों की भनक गांव वालों को लग जाती है। बस फिर क्या था, मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और गांव वाले भी। फिर क्या हुआ आप जरा खुद देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन हैं और पुलिस ने इन्हें क्यों पकड़ रखा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये किशनगंज जिले का मामला है। यहाँ अपराधियों की हिम्मत तो देखिए, वो एक साथ इतनी तादाद में जमा होते हैं हथियारों के साथ, अपने खतरनाक इरादों के साथ। रोई धासा मोहल्ले में हथियारों से लैस होकर 2 दर्जन से अधिक अपराधी इकट्ठा हुए थे। गांव वालों के इन अपराधियों के इरादे ठीक नहीं लगे, उन्हें शक होने लगा। गाँव में एक साथ इतने लोगों के इकट्ठा होने पर गाँव वालों को संदेह हुआ। इसके बाद गांव वालों ने अपराधियों के ऊपर धावा बोल दिया। इस तरह से अचानक अपने ऊपर हमला देखकर अपराधी घबरा गए। कुछ अपराधी तो भागने में सफल हो गए, लेकिन कुछ गांव में ही रह गए। बचे हुए अपराधी मोहल्ले के ही एक घर में पनाह लेते हैं। सभी उस घर के एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। इसके बाद गांव वाले पुलिस को मामले की जानकारी देते हैं। पुलिस जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचती है। पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर 10 अपराधियों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अपराधियों के पास से 2 कारतूस और 4 बाइक भी बरामद होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अपराधी गांव में किस इरादे से आए थे, तो सुनिए। गांव के तबरेज आलम की खाली पड़ी जमीन है, उस जमीन के ऊपर गाँव के ही एक दबंग आदमी मुफीद की भी नजर थी। मुफीद जमीन पर कब्जा करना चाहता था। कथित तौर पर उसी ने इन अपराधियों को गांव में बुलवाया था। मामला असल में जमीन का है। जमीन चूंकि एक शरीफ आदमी है, वो अपनी जमीन खरीद के वहां पे बाउंड्री गिरवाने के लिए आया था, तो भाड़े का लगभग 25-30 क्रिमिनल को यहां के जो लोग हैं वो मैंने कुछ लोग दबंग लोग हैं वो जो जोर जबरदस्ती से दहशत पैदा करने के लिए कि जमीन पे इसका कब्जा नहीं हो, ये भाग जाए और बाकी हम दलालों से अपना पैसा मनमाना पैसा ले सके, इस वजह से उन्होंने क्रिमिनल को लाया था। जो क्रिमिनल लहराते हुए पिस्टल और दबिया बहुत सारे असलाह लेके आए थे, तो पुलिस की तारीफ करनी होगी कि वक्त पे पुलिस आकर और कार्रवाई की और लगभग दर्जनों जराइम पेशावर को गिरफ्तार किया है और लगभग आधे से ज़्यादा जो क्रिमिनल है वो भागने में कामयाब हो गए। इन अपराधियों की गिरफ्तारी ने एक बड़ी वारदात को टाल दिया, लेकिन गांव वालों का गुस्सा थम नहीं रहा। वो अपराधियों को देखते ही भड़क उठते। इतना ही नहीं, पुलिस की मौजूदगी में ही गांव वालों ने अपराधियों की धुनाई भी कर दी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने मामले को संभाला।
वाला हत्या करने के लिए आया था, बाइलेन खोज रहा था जी, गांव वालों ने उसको घेर के पकड़ा, तो हम आए तो हम लोग ही पकड़े, उसके साथ हथियार मिला है। पहले से भी लोग का अपराधी केस में नाम है, हमला भी किया गया हम लोग से। देख लीजिए यहाँ किस लड़का को भी बंदूक दिखाया था। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, बरामद मोटरसाइकिल को भी ट्रैक्टर पर लाद कर थाने ले जाती है, लेकिन पुलिस की पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई। फरार अपराधियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी जुटानी होगी। इतना ही नहीं, जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो पहले भी इस गांव में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम दे चुके हैं? अब ये तो पुलिस की पूछताछ और जांच में खुलासा हो सकता है। हम लोग को सूचना मिली कि कुछ अपराधकर्मी यहाँ पर जमा हुए हैं कोई अपराध करने के लिए, उसी पर हम लोग ने रेड किया है, और अभी देखिए उसको रेड करके से कितने लोग बरामद हुआ है सर? 8-9 पकड़ाए हैं, 4 मोटरसाइकिल है, कुछ जो है गोली वोली भी मिली है, हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद डिटेल बताएंगे। क्या लगता है अपराधी को हायर करके लाया गया था? अब क्या है जो तुरंत हम लोग उसका जांच कर ही रहे हैं, जांच करने के बाद आपको बताएंगे। बहरहाल इतना जरूर है कि पुलिस के मुस्तैदी ने वक्त रहते एक बड़ी वारदात को टाल दिया, लेकिन गांव में इस तरह से जमीन को हड़पने के लिए अपराधियों को बुलाना कहां तक जायज है? अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। पहले उस मुखिया का अपहरण कर लिया जाता है, लोग विरोध शुरू कर देते हैं, गुस्से में आते हैं, लेकिन मुखिया का कहीं पता नहीं लगता। सुपौल से अपहरण होता है और लाश फिर मधुबनी से बरामद होती है। बिहार में फिर शुरू हुआ अपहरण उद्योग, बढ़ने लगा है सूबे में अपहरण का मामला। सुपौल से हुआ था मुखिया का अपहरण, मधुबनी से बरामद हुआ शव। बिहार में इन दोनों अपहरण का मामला बढ़ने लगा है। एक वक्त जब यहां अपहरण उद्योग का बोलबाला था, लगातार अपहरण की हो रही वारदातों को देखकर यहां के लोगों में डर घर करने लगा है, कहीं ये उसी दौर की वापसी तो नहीं। ताजा मामला सुपौल से सामने आया है, जहां एक मुखिया का अपहरण कर लिया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। मंगलवार की रात 8:30 बजे का वक्त था। रात के अंधेरे में परमानंदपुर पंचायत के मुखिया यूसुफ का अपहरण कर लिया जाता है। रात में यूसुफ अपने घर से लौट रहे थे, तभी घर से करीब 2 किलोमीटर पहले ही यूसुफ का अपहरण कर लिया जाता है। काफ़ी देर बाद भी मुखिया यूसुफ घर नहीं लौटते, तब गांव वाले तलाश में बाहर निकलते हैं। सड़क के किनारे यूसुफ की मोटरसाइकिल और चप्पल मिलती है। यूसुफ की पत्नी बीबी खातून अपने पति का अपहरण होने की आशंका जाहिर की। कजन से घर जा रहे थे, घर से पश्चिम एक पुलिया से पहले जो मुखिया जी वहाँ, उससे पहले सुन रहे गाड़ी लगी हुई थी किसी और का, अपने जानते किसका गाड़ी था, गाड़ी लगी हुई थी पहले से नहर पे, इधर से मुखिया जी जा रहे थे। अब वहीं पे जो है अब रोक के मुखिया जी को अपने गाड़ी पे बैठा लिया, उसका मुखिया जी को वहाँ पे गाड़ी चप्पल पड़ी थी, गाड़ी वैसे पड़ी थी। मुखिया जी अकेले थे? अकेले थे। मुखिया के अपहरण की खबर मिलते ही गांव में नाराजगी फैल जाती है। गांव की नाराज तमाम महिलाएं सहरसा बीरपुर मुख्य मार्ग को जाम कर देती हैं। पुलिस के खिलाफ आगजनी भी की जाती है। लोगों का गुस्सा बढ़ता जाता है। इस मामले में करजाइन थाने में FIR दर्ज कर ली जाती है। मुखिया की तलाश में पुलिस जुट जाती है। मामला धूम पकड़ता जाता है, लोगों का विरोध बढ़ता जाता है। इधर पुलिस लापता मुखिया को तलाशने में अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगता। पुलिस मुखिया की तलाश सुपौल के पूर्व में करती है और मुखिया की लाश सुपौल के पश्चिम मधुबनी से बरामद होती है। अपहरण के बाद ही मुखिया यूसुफ की हत्या कर दी गई थी। मधुबनी के लोकहा थाना इलाके की नदी से मुखिया की लाश बरामद होती है। वो बगल के जिला मधुबनी के लोकही में एक जलकुंभी में उनकी डेड बॉडी आज रिकवर की गई है। लाश को देखने से प्रतीत होता है कि ये 2 दिन पुरानी
की हत्या की गई है और लाश स्वेल कर गई थी, पानी के ऊपर आ गई थी, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुखिया की लाश बरामद होने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन अभी तक ना तो मुखिया की हत्या के कारणों का पता ही चल पाया है और न ही हत्यारों का कोई सुराग मिल पाया है। पुलिस को लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है, लोग पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों को ये मैं यही कहना चाहूँगा कि भरोसा रखें, पुलिस जो है इस जिस दिन से ये घटना हुई है बिल्कुल तत्परता से अनुसंधान कर रही है। ये बात सही है कि उनकी डेड बॉडी मिली है, लेकिन ये बात भी उतनी सत्य है कि वो हत्या उसी दिन कर दी गई थी। देखना है कि पुलिस इस अपहरण और हत्या के मामले को कितनी जल्दी सुलझाती है। लोग बताते हैं कि गांव में कई दिनों से एक बाहरी गाड़ी देखी जा रही थी। क्या इस अपहरण का इस गाड़ी से कोई संबंध है और हत्या का मकसद क्या है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मधुबनी से बिंदु भूषण ठाकुर के साथ मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। जुर्म की खबर आगे भी है जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। लगता है कि राजधानी रांची में अपराधियों को डर नहीं लगता। लगातार हो रही लूट की घटनाओं ने लोगों को अब सोचने पर विवश कर दिया है। लोग अब डरने लगे हैं, उन्हें डर है कि कहीं वो भी अपराधियों का निशाना ना बन जाएं। रांची में बढ़ रही लूट की वारदात, दिन दहाड़े लोगों को निशाना बना रहे अपराधी, लगातार लूट की घटना से लोगों में खौफ, पुलिस पर उठने लगे सवाल। लगता है कि रांची अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गया है। ना तो अपराधियों को पुलिस से डर लगता है और ना ही वो वारदात को अंजाम देने से ही डरते हैं, लेकिन अपराधियों की बढ़ती हिम्मत को देखते हुए अब लोग जरूर डरने लगे हैं। 24 जुलाई 2015 रांची के मेन रोड में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बुंडू के धान व्यापारी राजा कुमार गुप्ता से 2,29,000 रुपए लूट लिए जाते हैं। राजा गुप्ता मेन रोड के बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से पैसे निकालकर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। सरजना चौक पर ऑटो से उतरने के बाद वो पैसों से भरा बैग रखकर लिट्टी खा रहे थे, तभी पल्सर बाइक पर सवार दो अपराधी वहां पहुंचते हैं। राजा गुप्ता के अनुसार बाइक सवार दोनों अपराधी उनका पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। 2,29,000 रुपया एक पोलोथीन में रखे हुए था, झोला में रखे हुए था, वो झपट करके भाग गया। लेकिन मामला संदेहास्पद हो रहा है। तीन पार्टनर है, बैंक मैनेजर प्रदीप लकड़ा के पास हम लोग गए तो उनका कहना था कि इन लोग जब भी आता है तो फोर व्हीलर से 3-4 आदमी आता है, आज अकेले आया। उसके बाद पैदल वहां से निकाल करके मेन रोड बैंक ऑफ बड़ौदा से सरजना चौक के पास लिट्टी दुकान के पास लिट्टी खाने लगा। लिट्टी वाला से ही पूछने पर कह रहा है कि यहाँ कोई घटना नहीं घटा है, जो कि ऑलरेडी वहाँ कम से कम 4-5 ट्रैफिक वाले और पुलिस वाले रहते हैं। मामला संदेहास्पद है, फिर भी देखा जा रहा है। लेकिन पुलिस को इस लूट के मामले में संदेह है। पुलिस ने जब बैंक के मैनेजर से बात की तो मामला कुछ और ही पता चला। बैंक ऑफ बड़ौदा मेन रोड ब्रांच से पैसा निकाल के जा रहे थे, उसी दरमियान हम जेवियर के टेम्पो से उतरे सरजना चौक में और वहाँ से हम लिट्टी खाने के लिए बैठे और पैसा हम ऐसे रखे हुए थे लिट्टी खा रहे यहाँ पे चक्का के सामने और पानी पिए और हाथ धोने के दरमियान उसने बैग को उचक्के ने बैग को पकड़ा थैले को और भागने का कोशिश किया। उस दरमियान हम उसको पकड़े भी थैला को भी, तो पल्सर बाइक में दो लड़के थे और दोनों फिर हड़बड़ा के भाग। कितना पैसा था? 2,29,833 रुपये।
पीछा किया था आप लोग? जी हम दौड़ाए थे, हम पैदल थे भैया, हम दौड़ाए नहीं पकड़ पाए, उसके बाद हल्ला किए। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है, लेकिन ये लूट का कोई नया मामला नहीं है। 23 जुलाई 2015 को भी रांची में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। राजीव सिंह नाम के ठेकेदार से 1,60,000 रुपए लूट लिए गए थे। इस वारदात को अंजाम देने में लुटेरों को महज 30 सेकंड का वक्त लगा था। दरअसल राजीव सिंह जब कुछ काम से अपनी बाइक छोड़कर गए थे, तभी डिक्की से पैसे निकाल लिए गए। डिक्की खोलने में अपराधियों ने नकली चाबी का इस्तेमाल किया था। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से आईजी ऑफिस कुछ ही दूरी पर है, बगल में हाईकोर्ट है और थाना भी है, लेकिन अपराधी वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आते। इनके बाद से तो अभी जैसे इनके कहने अनुसार तो लग रहा है कि घटना करने वाला क्या है, लेकिन फिर भी चाबी इन्हीं के पास है और नजदीक में पेशाब भी कर रहे थे अभी तो यहाँ, और उसके बाद जांच के बाद क्लियर होगा। 2 दिन में लगातार 2 लूट। राजधानी रांची में हो रही लगातार लूट की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। लगता है कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस की चाल सुस्त पड़ गई है। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। दुमका पुलिस ने विस्फोटकों का जखीरा पकड़ा है। इन विस्फोटकों से भारी तबाही मचाई जा सकती थी, पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। विस्फोटकों का यह जखीरा दुमका पुलिस ने बरामद किया है, पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। बरामद विस्फोटकों को अवैध तरीके से घर में छुपाकर रखा गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक घर में छुपाकर विस्फोटकों का जखीरा रखा गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक ये इलाका शिकारीपाड़ा थाना इलाके में था। शिकारीपाड़ा थाना इलाका नक्सल प्रभावित माना जाता है। पुलिस ने सूचना के आधार पर पथिया अंसारी और तैयब अंसारी के घर पर छापा मारा। इन दोनों के घर से 10 कार्टन जिलेटिन, 20 बैग अमोनियम नाइट्रेट और 24 पीस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद किया गया है। शिकारीपाड़ा थाना को ये सूचना मिली थी कि हासा पाथर और सरस जंगल में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास काफ़ी मात्रा में ये जेलेटिन और एक्सप्लोजिव्स हैं इलीगल। इस सूचना पर प्लान के तहत इन लोग पे थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा इमदाद अंसारी और उनकी टीम ने रेड की। सबसे पहले हासा पाथर के पथिया अंसारी को इन्होंने पकड़ा, जिसके घर से 9 कार्टून जेलेटिन जो आपके सामने ही रखा है वो बरामद हुआ, तो डेटोनेटर्स बरामद हुए। चूंकि इलाका नक्सल प्रभावित है और बरामद विस्फोटकों का इस्तेमाल नक्सली करते रहे, ऐसे में पुलिस को शक है कि इन विस्फोटकों को नक्सलियों तक पहुंचाने की योजना पुलिस नक्सली कनेक्शन से जोड़कर मामले की जांच कर रही है। इन लोगों को ये भी सूचना मिली थी कि सरसा बाजार में तैयब अंसारी के यहाँ भी इसी तरह की एक्सप्लोजिव्स अवेलेबल हैं या छुपा के रखे गए हैं, तो वहाँ भी छापामारी की गई। तो जब दोनों छापामारी के पश्चात दोनों जगहों से कुल 1250 स्टिक जेलेटिन की बरामद हुई है, 24 डेटोनेटर बरामद हुए हैं, अमोनियम नाइट्रेट के 20 बैग जो एक्सप्लोजिव्स को बनाकर एक्सपोर्ट कराने में बनाए जाते हैं वो बरामद हुआ है, और इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस अभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बरामद विस्फोटक नागपुर की किसी कंपनी में बना है, इसे पश्चिम बंगाल से लाकर दोनों आरोपियों ने अपने घर में अवैध तरीके से छुपा कर रखा था। बहरहाल पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच में जुटी है।
सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।